जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 के बग्स के बारे में, जो कि मैं अपने लैपटॉप पर फेस कर रहा हूं। और आपने भी इन बग्स को नोटिस किया होगा अगर आपने रिसेंटली अपने लैपटॉप या पीसी को विंडोज 10 से विंडोज 11 अपडेट किया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पावन हाथों से सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाने के साथ। तो यहाँ पे विंडोज 11 में जो सबसे पहला बग है वो है, जब आप विजिट्स वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो उसे पॉप आउट होने में थोड़ा सा डिले आता है, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्लो रह जाता है। और जब विजिट्स ओपन भी होता है तो वो पूरा ब्लैंक रहता है, उसमें कोई भी विजिट शो नहीं होता है। तो ये वाला एक बग है जो कि मैंने रिसेंटली अभी नोटिस किया है। और अब जो नेक्स्ट बग है, इसमें जब आप सर्च बार पे जा करके कुछ भी टाइप करके सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट शो नहीं होता है। तो ये कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसका सलूशन भी बताने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड पे विंडोज प्लस आर की को प्रेस करना है और यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगा, इसे क्लोज कर देना है और फिर आपका सर्च बार सही से काम करने लगेगा। और यहाँ पे जो थर्ड बग है ये भी सर्च बार से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे सर्च टैब पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको सर्च हिस्ट्री देखने को नहीं मिलता है। तो ये कोई मेजर बग तो नहीं है, पर किसी किसी के लिए ये वाला ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब जो नेक्स्ट बग है, विंडोज 10 से 11 में अपडेट करने के बाद दिस पीसी में फाइल एक्सप्लोरर वाला जो सेक्शन है वो किसी किसी यूजर्स का अपडेट नहीं हुआ है। तो इस वाले बग को हम एक मेजर बग कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्रेजी वीडियोज बनाने के लिए। और अब यहाँ पे जो फिफ्थ बग है ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से रिलेटेड है। जब भी आप अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू थोड़ा सा डिले के साथ पॉप होता है, जो कि अगेन स्लो फील होता है। और यहाँ पे न्यू आइटम वाला जो ऑप्शन है इसे भी विजिबल होने में कुछ मिली सेकेंड का डिले आता है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से रिलेटेड एक और बग है, जब आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को बॉटम हाफ ऑफ द स्क्रीन में ओपन करते हैं और फिर जो नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है वो स्क्रीन के नीचे चल जाता है। तो ये वाला बग भी इंपॉर्टेंट है, जिसे कि जल्दी से फिक्स हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लास्ट बग भी बता देता हूँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने विंडोज 11 पे और ये रिलेटेड है ड्रैग एंड ड्रॉप से। तो जब आप किसी भी फाइल को ड्रैग करके क्रोम के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो फिर वो उसमें ओपन नहीं होता है। पर ये चीज मैंने विंडोज 10 में काफी बार किया है और ये काफी आसानी से वर्क भी करता है विंडोज 10 में। तो दोस्तों ये कुछ बग्स है जो कि मैंने अपने सिस्टम में नोटिस किया विंडोज 11 में अपग्रेड करने के बाद। अगर आपने भी इन बग्स को नोटिस किया तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर और भी ऐसा कुछ बग्स है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों बात आता है कब तक ये बग्स आपके सिस्टम में रहेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब भी आपके विंडोज का अपडेट आएगा तो उस अपडेट में इन सारे बग्स को फिक्स कर दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई बग आपके सिस्टम में रह जाता है या फिर कोई नया बग निकल के आ जाता है, ये सभी पॉसिबल है क्योंकि विंडोज 11 अभी मार्केट में नया है, तो उसे भी आने वाले अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। सो फाइनली दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लैपटॉप के रिकमेंडेशन लेके आते रहता हूँ। और राइट वाली वीडियो को क्लिक करके आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं।